आज की मेरे इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मेरे को बहुत सारी नई नई फिशेज आ चुकी हैं, यह अवेलेबल है। बाकी इस बार कुछ नई फिशेज आई हुई हैं, उनके बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा। पूरा वीडियो, पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अभी स्टॉक थोड़ा सा जल्दी ही कुछ कम हो जाता है और कुछ नई चीज़ें आती रहती है, तो आप लोग इतना जल्दी आके मेरे पास से सामान ले जाएंगे उतना अच्छा होता है। क्योंकि पिछली बार जो फिशेज आई थी उसमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मेरे कस्टमर्स को फिशेज नहीं मिल पाई थी, तो इस बार इसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को फिर से दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास आप लोग देख सकते हैं इंपोर्टेड टैंक वगैरह भी आए हुए हैं, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं और फिशेज भी अभी अभी हैं, और टैंक की भी काफ़ी सारी वैरायटीज़। जो लोग मेरे से एक्वेरियम और टैंक फिशेज लेते हैं तो लोग ले ही सकते हैं। जो लोग आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं तो आप लोग मेरे पूरे वीडियो देखिए, कुछ डिफरेंट फिशेज के बारे में जानिए और उनके प्राइस भी जानने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ में। तो चलिए अब देखते हैं मेरे पास में कौन कौन सी नई नई मछलियाँ आई हुई हैं, इनका पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं प्राइस के साथ साथ में इनकी थोड़ा बहुत डिटेल्स भी देना चाहूँगा आप लोगों को सभी मछलियों की। जैसे आप लोग देख रहे हैं पर्ल गुरामी फिश अभी आप लोगों के सामने में है। पर्ल गुरामी गुरामी फिश का ही ग्रुप होता है। गुरामी फिश में कई सारी वेराइटीज़ होती हैं और गुरामी फिश में काफ़ी हार्ड फिशेस में से भी एक होती है, और इसके प्राइस ही मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, मतलब सस्ते रेट में अगर आप लोग अच्छी मछली पालना चाहते हैं तो गुरामी फिश का पूरा कम्युनिटी टैंक बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसकी जो पर्ल गुरामी की प्राइस है 80 रुपीज़ ईच है, 80 रुपये की एक। अब अपन लोग आते हैं कॉर्प फिश की कम्युनिटी में। कॉर्प फिश की भी लगभग कम्युनिटी सेम ही होती है गुरामी फिश की जैसे, थोड़ा मजबूत हार्ड टिकाऊ तो होती ही है। इसके साथ में इसकी साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब अगर आप लोग बड़ी मछली पालना चाहते हैं, मतलब सस्ते में छोटी कलरफुल फिश खरीद ली और इसको चाहते हैं आप लोगों को काफ़ी बड़ी हो जाए आपके एक्वेरियम में और काफ़ी ब्यूटीफुल भी दिखें, तो आई थिंक इससे बेहतरीन कोई मछली नहीं जो 1 से 2 फीट तक की आपके टैंक में ही हो सकती है। और इसके साथ में इनके कलर भी आप लोग जिस कलर की चाहो उस कलर की मछली भी मिल सकती है। बट यह है कि एक्वेरियम थोड़ा सा ज़्यादा गंदा करती है, खाना थोड़ा सा ज़्यादा खाती है, इसके लिए फ़िल्टर क्वालिटी का ध्यान देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उसकी जो प्राइस होती है 40 से 50 रुपये में उसके बेबीज़ मिल जाते हैं जो 2 से 3 इंच के होते हैं अच्छी क्वालिटी में। इसके बाद अपन लोग पहुंच जाते हैं आप लोगों की चिकलेट फिशेस में। चिकलेट फिशेस में जो फिशेस होती हैं वो आपकी फायर माउथ और बनाना ग्रीन टेरर, उनके साथ में फायर माउथ वगैरह ज़्यादा एक्सपेंसिव फिशेस नहीं होती, मतलब सस्ते में आप लोगों को 10 फाइल बार वगैरह भी मिल जाएगी जो आप लोगों को चिचल फिश का ग्रुप बना सकती है और उसके कम्युनिटी में रह भी सकती है। ज़्यादा बड़ी ना हो, मतलब साइज़ सेम होना चाहिए, हिडन प्लेसेस वगैरह डाले होंगे तो अच्छे तरीके से सारी की सारी फिशेस रह लेगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सस्ते में अगर आप लोग बढ़िया मछली लेना चाहें तो आप लोग ये फिशेस ले सकते हैं। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास ब्लैक गोल्ड फिशेस काफ़ी दिनों से ख़त्म थी जो कि आ चुकी है, और शुभांकन फिशेस भी ख़त्म थी जो कि आ चुकी हैं। और इसके साथ में ब्लैक गोल्ड की जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ ईच है, और रेड कैप की जो पुरानी वाली ही साइज़ है, पुरानी वाली ही प्राइस है, और इसके साथ में पुरानी ही कुछ इसके साथ में शुभांकन फिशेस भी हैं देख सकते हैं। और मेरे पास एंजल फिश भी आ चुकी हैं, एंजल फिश ब्लैक एंजल आई, बिकॉज पिछली बार मेरे पास ग्रीन एंजल आ रही थी, इस बार मैंने ब्लैक एंजल मंगाई हुई है। ब्लैक एंजल थोड़ा सा सस्ती होती हैं, ब्लैक मार्वल एंजल, और उनके साइज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छे होते हैं, एक्टिव भी अच्छी होती हैं। इसके साथ में आप लोग देख सकते हो मेरे पास में शुभांकन फिश इस बार दूसरी तरह की आई हुई है, और इनके फिन वगैरह भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े हैं। साथ में इसके लीची गोल्ड भी है, और लीची गोल्ड गोल्ड का ग्रुप काफ़ी अच्छा होता है ये गोल्ड फिशेस के लिए। मैं गोल्ड फिशेस में शुभांकिन हो गई, आपकी लीची गोल्ड हो गई, रेड कैप हो गई, ये सारी की सारी अच्छी होती है। मैं जो शुभांकिन फिशेस होती हैं इनको गोल्ड के साथ में रखता हूँ, बिकॉज इनका फीडिंग टेम्परेचर लगभग सेम ही होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से लंबे समय तक रह लेती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती इनको। और आप लोग ये भी देख सकते हो कि आप लोगों को कोई नई फिशेस वगैरह चाहिए होंगी तो कुछ नई फिशेस आई हुई हैं मेरे पास में, जो कि आप लोगों को काफ़ी मतलब मज़ा आएगा इनको ख़रीदने में। जैसे कि इस बार मेरे पास कुछ ईल भी आई हुई हैं, पर्ल गुरामी तो मैंने दिखाई दी हैं, ईल मेरे पास पिकॉक ईल आई हुई है, उसको भी मैं दिखाता हूँ मेरे पास किस साइज़ की है और उनकी प्राइस वगैरह भी बताऊँगा, ज़्यादा महंगी नहीं है। और इसके साथ में आप लोगों को काफ़ी सारी नई मछलियाँ देखने के लिए मिलेंगी मेरी शॉप में, जो कि शायद कुछ हर बार कुछ ना कुछ यूनिक आती हैं। जैसे ऑस्कर भी आई हुई है, तो ब्लैक ऑस्कर में रेड स्पॉटेड ऑस्कर है, आप लोग देख सकते हो, कॉपर मतलब ब्लैक कॉपर ऑस्कर भी बोल सकते हैं इसको, और मतलब देखने में बिल्कुल टाइगर ऑस्कर के जैसे, लेकिन इनके बॉडीज़ में सेप हैं पूरे के पूरे कॉपर के सेप हैं और काफ़ी ज़्यादा डार्क, अभी अभी एक्चुअल में आई हुई है तो थोड़ा सा कलर इनका लाइट है, लेकिन इनका कलर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा जितने अच्छा आप इनको खाना खिलाएंगे, जितना अच्छा टेम्परेचर देंगे। वैसे ऑस्कर फिश हो गई, ब्लैक गोल्ड फिशेज हो गई, इनको आप गर्म पानी के पानी में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा अगर आपके एक्वेरियम में हीटर वगैरह लगा हुआ है,
इसके साथ में आप लोग देख सकते हो एक शॉर्ट बॉडी हॉर्न पड़ी हुई है, इसको इसके साथ में रखना नहीं चाहिए भी, मैं इसे अलग कर दूंगा क्योंकि शॉर्ट बॉडी हॉर्न इसमें पहले से पड़ी हुई है। ऑस्कर भी नई नहीं है और ऑस्कर जब नई रहती हैं तो बेचारी डरी हुई रहती हैं और इसका फ़ायदा उठा के दूसरी मछली चाहे कोई भी, चाहे टिन फाइल बार्ब हो या गुरामी हो, कोई भी मछली होगी तो उसके ऑस्कर के फिन कुतर डालेगी और ऑस्कर इतना ध्यान नहीं देती अपनी ऊपर और कई बार ऑस्कर बीमार पड़ जाती हैं तो उनमें ब्वाइट स्पॉट वगैरह भी लग जाते हैं और टेम्परेचर वगैरह में भी प्रॉब्लम आती है। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास शार्क फिशेस हैं जो आपकी एल्बिनो शार्क, ब्लैक वाइट शार्क होती हैं वो भी हैं, आ गई हैं, कॉर्प वगैरह भी आ चुकी हैं। कॉर्प खैर वही हैं, मतलब मैं कई सारे टैंकों में शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पूरे टैंक में कोई कोई बैक्टीरिया ऐसे खतरनाक आ जाते हैं जिनका फिर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, मछलियाँ सारी की सारी भी कई बार मर जाती हैं कष्ठा भी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देते हुए कि मतलब कभी ऐसी कोई बीमार मछलियाँ ना आ जाएँ कि, या तो मेरे पास ऐसे कोई बीमार फिशेस ना हो कि उनका इन्फेक्शन, उनका फंगस सभी फिशेस की मतलब एक ही प्रजाति पूरी विलुप्त हो जाए। तो इसके लिए मैं एक ही टैंक की प्रजातियों में एक फंगस लगता है तो उसे मैं वॉच करके फिर उसका ट्रीटमेंट कर लेता हूँ। बिकॉज मेरे पास टैंक भी थोड़ा सा कम है, शॉप थोड़ा सा छोटी पड़ती है, नहीं तो एक टैंक में एक ही तरह की मछलियाँ रखना चाहिए। कभी भी मिक्स कलर की मछलियों को ना ही मैं रखता हूँ और ना ही मैं कभी किसी को सजेशन देता हूँ कि आप चार तरह की मछलियाँ एक टैंक में रखिए। हाँ, इतना आप ज़रूर कर सकते हो जिन टैंकों में मैंने मछलियों को सेट बना के रखे हुए हैं, जिन टैंकों में मैंने कई तरह की मछलियाँ रखता हूँ, उस टैंक को आप लोग मछलियाँ, अगर आपका नया टैंक है तो उस टैंक से आप सारी की सारी मछलियाँ, चार पांच तरह की मछलियाँ खरीद सकते हैं जिसमें मेरे से पहले से रह रही हैं। आप लोग जैसे मेरी गुरामी फिश वाला टैंक देख सकते हैं, इसमें सभी तरह की गुरामी डली हुई है और यहाँ पे गुरामी के साथ में कॉर्प भी हैं और इसमें गुरामी के दो तीन कलर हैं, ब्लू गुरामी भी है, थ्री स्पॉट गुरामी, येलो गुरामी, कॉर्प, ये सभी सही पीसफुल तरीके से कितने अच्छे से रह रही हैं, पानी भी कितना साफ़ है। जो ग्रीन ग्रीन स्पॉट दिख रहे हैं वो एल्गी के हैं, वो लाइट की वजह से हो जाती है। सगर गैट फिश वगैरह अगर आप रखेंगे तो वो भी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी ग्रीननेस भी, या तो मैग्नेटिक क्लीनर या आप किसी मैजिक वगैरह से नए एक एक्वेरियम के रखी उससे साफ़ कर दीजिए। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसके साथ भी मैंने दो तीन एंजल फिश भी डाल दी है। एंजल फिश की क्वांटिटी मेरे पास कम है इस टाइम पे, सभी मछलियाँ मिल नहीं पाती हैं हर जगह पे, तो जितनी मछलियाँ जहाँ पे जो होती हैं वो लोग भेज देते हैं तो मेरे पास स्टॉक काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है आजकल। तो आप लोगों को मैं ही कहना चाहूँगा जिन्हें जो मछलियाँ वीडियो देख के लेना चाहते हैं तो जितना जल्दी आप लोग ऑर्डर लगा दोगे मुझे एडवांस पेमेंट कर देंगे मैं उन्हें उतना जल्दी मछलियाँ भेज दूँगा या दे पाऊँगा। ज़्यादा दिन तक मछलियाँ रोकना आजकल पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप लोगों को मेरा मिल्की फिश वाला टैंक देख सकते हो, मिल्की फिश भी जो होती है वो कॉर्प फिश का एक ग्रुप होता है, इसकी जो कीमत होती है 40 से 50 रुपये होती है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल फिश है। और इसमें आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इसके साथ ये एंजल वगैरह के साथ में भी काफ़ी अच्छे से रह रही है, लेकिन ये कॉर्प का ग्रुप होता है तो आप कॉर्प फिश के साथ में कम्युनिटी बना के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सस्ती भी रहती हैं, वाइट कलर का मतलब एक कम्युनिकेशन भी बना देती हैं आपके एक्वेरियम का। इसमें वेल टेल मिल्की फिश होती हैं, बड़ी होने के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं, इनके फिन वगैरह जब बड़े बड़े हो जाते हैं। और ये गुरामी वगैरह के साथ भी रह लेती है, कुछ बड़ी साइज़ के अगर आप लोगों का गोल्ड वगैरह तो आप लोग उनके साथ में भी रख सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं कि इसमें रेड टेल शार्क भी कुछ पड़ी हुई हैं जो कि इनके साथ पीसफुल तरीके से रह रही हैं। तो आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ ये फिशेस भी काफ़ी अच्छी लगी रही हैं। अभी आप लोग इस पूरे वीडियो को देखते रहिए, मैं कुछ आप लोगों को और फिशेस दिखा रहा हूँ जो कि अभी मैं नहीं दिखाया हूँ आप लोगों को। आप लोग इधर देख सकते हैं मेरे पास गप्पी फिशेस भी आ चुकी हैं और गप्पी फिशेस ये थोड़ा सा डिफरेंट गप्पी हैं और ज़्यादा महंगी गप्पी भी नहीं है, ये 20 से 25 रुपीज़ इच पड़ेंगी आप लोगों को। और एक बात और बता दूँ, क्वांटिटी या होलसेल के रेट अलग होते हैं और ये मैं जो प्राइस बताता हूँ सारे के सारे रिटेल प्राइस होते हैं जो कि इतनी डिफ़िकल्ट ट्रांसपोर्टिंग और इतनी दूर का सफ़र करने के बाद मछलियाँ जो हम लोगों को पहुँच पाती हैं सेफ तरीके से, जितना इसमें ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव खर्च आता है वो सब इंक्लूडेड होता है। और मेरे पास गप्पी फिशेस की भी क्वांटिटी काफ़ी बढ़िया हो चुकी है आप लोग देख सकते हो, तो किसी को चाहिए हो गप्पी फिशेस, छोटी फिशेस मेरे पास गप्पी के अलावा भी कई सारी फिशेस आई हुई हैं। ब्लैक टाइगर बार्ब कई दिन से नहीं आ रही थी, वो भी आ चुकी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास में एलिगेटर गार फिश भी है जो कि आप लोगों का इंतज़ार करती रहती है और इसके साथ में रवाना भी काफ़ी पीसफुल तरीके से रह रहा है और वो दाना खाता है, श्रिम भी खाता है और फिर आप जो खिला दो वो खाता है, काफ़ी ब्यूटीफुल है रवाना है मेरा। मेरे पास ये कुछ हार्ड शेप की पैरट्स हैं जो कि 550 रुपीज़ की हैं और कुछ मेरे पास नॉर्मल पैरट हैं वो 350 की है, येलो पैरट जो है 400 की है। और साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो मेरे पास पिकॉक ईल है वो 100 रुपीज़ ईच है, उसका शायद मैं रेट बताना भूल गया था, और वो वाइट शार्क वाले टैंक में थी। और पैरट वगैरह जो मेरी हैं वो
उसके साथ में ब्लू चिकलेट और बनाना कुछ बड़ी साइज़ की है। अब आप लोग ये मेरी टाइगर वार भी देख सकते हो, टाइगर वार काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी पीसफुल तरीके से बनाना और ब्लू चिकलेट के साथ में रह रही है। इसको मैंने बड़े वाले एक्वेरियम में अपने रखा हुआ है, लेकिन अगर आप लोग भी बनाना के साथ में टाइगर वार वगैरह कोई भी नई फिशेस रखते हो या आप लोग ग्रीन टेरर या फायर माउथ के साथ में, तो आप लोगों को वॉच करना पड़ेगा शुरू शुरू में कि ये दोनों के दोनों आपस में लड़ या झगड़ तो नहीं रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रही हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप लोग उसे तुरंत ही अलग अलग सेपरेट टैंक में रख दें, नहीं तो बहुत सारी मछलियाँ धीरे धीरे करके मर जाएंगी या फंगस लग जाएंगे, वाइट स्पॉट लग के भी ख़त्म हो जाएंगी जब चोट लगेगी बॉडी में। तो आप लोग देख सकते हो अभी फ़िलहाल मैं रखा हुआ हूँ, दूसरे दिन देखूंगा कुछ भी प्रॉब्लम समझ में आएगी तो मेरे को टैंक चेंज करना पड़ेगा। यार टैंक थोड़ा सा कम होते हैं, मछलियाँ ज़्यादा होती हैं, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा शिफ्टिंग करनी पड़ती है, कई सारे टैंकों में कई तरह की मछलियों को मिक्स करके रखना पड़ता है। क्या करें, कुछ टैंक्स बढ़ेंगे शॉप थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी तो फिर और ज़्यादा वेराइटीज़ और टैंक जब बढ़ जाएंगे तो एक टैंक में सिर्फ एक ही तरह की मछलियाँ रखने का उद्देश्य रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग जरूर ओपन करेंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।